हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, स्वागत है आप सबका 444 कर्ली टैरो की एक और पिककार रीडिंग में। आई होप आप सभी खुश होंगे। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स मैं आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। आई होप जब भी आप रीडिंग देख रहे होंगे एकदम मस्त होंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा हो होपफुली ये रीडिंग आपके लिए गाइडिंग लाइट की तरह आपको हेल्प कर सके। तो आज की पिककार रीडिंग है व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन टू यू बिफोर 2025 कम्स। तो 2025 आने में, जब ये वीडियो में शूट कर रही हूँ, तो 3 महीने रहते हैं, बट आप ये 2024 के दिसंबर में भी देख सकते हैं, और इनफैक्ट ये आप 2025 के बिगनिंग, मिड और एंड में भी देख सकते हैं, क्योंकि पूरे 2025 के होने से पहले पहले ये चीज़ होगी एंड यू कैन कन्फर्म इट बैक। तो ये क्या होगा हम वो जानेंगे, बट बिफोर दैट वेलकम टू द चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वेलकम, प्लीज़ इस चैनल को लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। इन केस यू रेजोनेट विद मी, आपको रीडिंग्स पसंद आती है, आप वाइब के साथ कनेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ डू दैट। एंड इन केस आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। देखो मैं नया माइक भी लिया है, खर्चा क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ द वीडियोज़, ताकि हम वीडियोज़ और बेटर कर सकें और फ्रीक्वेंट कर सकें और उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। अपना ऐसा दबा दबा के प्यार देना मुझे। तो चलो अब हम चलते हैं सीधा पाई सिलेक्शन की तरफ। तो अब आपके सामने आएंगे यहाँ पे 3 इमेजेस, जो भी इमेज सबसे ज़्यादा आपको मेरी तरफ अट्रैक्ट करे, सेलेक्ट दैट एज अ पाइल, एंड देन मैं डायरेक्टली मिलूंगी आपको आपके टाइम स्टैम्प पे। सी यू। अगर आप यहाँ ये मैं चूज़ करके आए हैं तो ये है आपकी रीडिंग। चेक करते हैं कि 2024 ख़त्म होने से पहले क्या चीज़ आपके लिए डेफिनेटली होने वाली है। तो लेट्स चेक आउट कि क्या होने वाला है बिफोर 2024 एंड्स, एंड ये चीज़ क्या है जो आपके साथ होने के लिए बेकरार बैठी है। ये क्या होने वाला है आपके लिए, वॉट इज़ गोइंग टू हैपन For you, to you, with you, before 2024 ends, and we have the card of the Empress, a beautiful thing. So in case you are someone जो कि plan कर रहे हैं pregnancy का, conceiving का, तो definitely उनके लिए एक positive news है यहाँ पर, चाहे वो expect कर सकते हैं, बधाई हो। And in case आप single हैं या pregnancy is something that is not in your timeline yet, तो एक तरीके का creation हो रहा है, किसी तरह का नई चीज़ की यहाँ पर एक creation होती हुई, एक starting होती हुई दिख रही है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा अबंडेंस लेके आने वाली है, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू योर करियर। ये हो सकती है ये कुछ नया स्टार्ट हो रहा है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अपलिफ्टमेंट लेके आ रहा है, और अगर आप कंसीव भी कर रहे हैं तो ये बच्चा आपके लिए बहुत ज्यादा पैसा लेके आए, बहुत सारे लोगों के लिए। शायद ये एक लड़की भी हो सकती है, आई एम जस्ट गिविंग यू कि अगर इफ यू आर मतलब आप कंसीव करो तो मे बी यू आर ब्लेस्ड विद द गॉडेस लक्ष्मी, इज वॉट आई कैन सी ऑन द कार्ड्स, या क्यूट सा कुबेर भी हो सकता है, बट जो भी होगा ये बच्चा बहुत लकी होगा फाइनेंशियली आपके लिए। इन केस यू आर नॉट समवन हु इज गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट, डेफिनेटली एक कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, जो बहुत अबंडेंस, कुछ समथिंग इज क्रिएटिंग फॉर यू दैट इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल अपग्रेड इन योर लाइफ, इज वॉट आई कैन सी ऑन द कार्ड्स। बहुत लोगों के लिए एक एक्सक्यूज मी आई नीड वाटर, गिव मी अ सेकेंड। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ किसी तरीके का मेरे को गोल्ड भी आता हुआ दिख रहा है, कि बहुत लोग यहाँ पे गोल्ड वगैरह भी कुछ लोगों को मिल सकता है यहाँ पे एज अ गिफ्ट, ओके वो मुझे दिख रहा है। चलिए जानते हैं व्हाट इज़ गेटिंग क्रिएटेड इन योर लाइफ एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू। तो व्हाट इज़ गेटिंग क्रिएटेड इन योर लाइफ, प्लीज़ हेल्प अस, व्हाट इज़ गेटिंग क्रिएटेड फॉर माई पाइल, जो उनके लिए अबंडेंस लेके आ रहा है। तो व्हाट इज़ गेटिंग created in their life, तो 3 कार्ड्स हम यहाँ निकाल चुके हैं। फर्स्ट कार्ड इज चैरियट का कार्ड, सेकेंड इज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, एंड थर्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो एक तरीके का ट्रैवल तो डेफिनेटली आपके लिए दिख रहा है, एक तरीके का ट्रैवल मोमेंट शिफ्ट यहाँ ज़रूर दिख रहा है। बहुत लोगों के लिए फिजिकल ट्रैवल है, चाहे शॉर्ट ट्रैवल ही हो, बट बहुत लोगों के लिए ये एक
फिजिकल ट्रैवल है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो आपकी सोच का एक कॉन्सेप्ट, आपकी परसेप्शन, आपका एक ट्रैवल हो रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर आ रहा है, एक तरह से एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में खोल रहा है, क्योंकि वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ओवर हियर। तो देर इज़ सम काइंड ऑफ अ शिफ्ट ट्रैवल हैपनिंग फॉर यू, जो कि ये अबंडेंस और ग्रोथ आपके लिए लेके आएगा। दिस ट्रैवल, दिस शिफ्ट, ये जो भी शिफ्ट है, ये ट्रैवल, ये मूवमेंट है, ये आपके लिए अबंडेंस लेके आ रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। वाई यू आर मेकिंग दिस शिफ्ट और ट्रैवल, आई जस्ट वॉन्ट टू नो। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ द जजमेंट, तो इसका मतलब है किसी तरीके का रिजल्ट आया है जिसने आपको मजबूर किया है ये शिफ्ट बनाने का। और ऑब्वियसली रिजल्ट क्या आता है, आपने कोई चीज़ सोची कि ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट करती है या नहीं, तो आप उस चीज़ में घुसते हो या उस चीज़ से बाहर निकलते हो, तो एक मूवमेंट है, तो किसी तरह का रिजल्ट। या फिर बहुत लोगों के लिए कोई रिजल्ट आया है, आपने कहीं पर काम कर आपको कहीं पर ऑफर लेटर आया है, कहीं पर अपॉइंटमेंट लेटर आया है, कहीं से बुलावा आया, तो आप वहाँ पर गए हो, तो देर इज़ सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट रिजल्ट दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू, विच इज़ अलाउंग यू टू डू दिस शिफ्ट। ठीक है, फिजिकल शिफ्ट है या मेंटल शिफ्ट है, किसी भी एस्पेक्ट में। लेट्स सी कि वंस यू मेक द शिफ्ट, जो कि क्रिएशन आपकी लाइफ में लेके आएगा, हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ, हाउ दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ। सो वी हैव टू कार्ड्स हेयर एंड दिस इज़ आर थर्ड कार्ड, तो तीन कार्ड हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हमारा यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव हेयर किंग ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव हेयर द पेज ऑफ कप्स। तो मन की शांति और दिमाग की शांति आपके लिए यहाँ पे आने वाली है फॉर श्योर, जो कि मुझे नज़र आ रहा है वह, क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी, ये जो क्रिएशन है आपकी लाइफ में, ना सिर्फ ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करी, जिस वजह से यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, आप मेंटली बहुत ज़्यादा क्लियर हो, सॉर्टेड हो कि मुझे आगे चीज़ें कैसे चार्ट आउट करनी है अपनी लाइफ में, चीज़ें कैसे प्लान करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये जो क्रिएशन है आपकी पसंद की क्रिएशन है, ये आपके हिसाब से ये चेंज हुआ है, ये आपकी मर्ज़ी से, या फिर इस चेंज ने आपको इतनी ज़्यादा खुशी दी है कि यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, यू आर फीलिंग वेरी पीसफुल अबाउट इट, बहुत कंटेंट एनर्जी है। तो इस चीज़ से ये जो भी ये एक शिफ्ट होने वाला है, जो कि क्रिएशन लेके आ रहा है, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ रहा है, ये आपको मेंटली बहुत सॉर्टेड रखेगा, ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रखेगा, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशंस के, यू विल बी अ मैग्नेट ऑफ एप्रिसिएशंस, यू विल बी अ मैग्नेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इज़ व्हाट आई कैन सी ऑन द कार्ड्स, क्योंकि ये चेंज आपके ऑल टुगेदर आपकी पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। यू विल बी मोर स्वीट, यू विल बी मोर सॉफ्ट, यू विल बी मोर जेंटल विद द पीपल, एंड आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ब्लू एंड वाइट हो जाएगा। अगर आपका करेंटली ऑरा बहुत इंटेंस है तो वो ब्लू एंड वाइट एनर्जी में, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सूदिंग होता है, लोगों को बड़ी ठंडक पहुँचाता है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ऑल एंड ऑल दिस क्रिएशन, मतलब ये तो आपके हर तरफ से बल्ले बल्ले करा रहा है, आपको फाइनेंशियली भी अच्छा कर रहा है, आपको दिमाग से भी अच्छा कर रहा है, आपको मन से भी अच्छा कर रहा है, और लोगों में, मतलब आपका, मतलब लोग भी आपको पसंद कर रहे हैं, तो ये तो हर तरह से एक विन विन सिचुएशन आपके लिए ये चेंज लेके आ रहा है। चलिए अब देखते हैं एनी लास्ट मिनट एडवाइस और मैसेज दैट यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव यू बिफोर 2024 एंड्स। And here we have the card of the wolf. I find comfort in the harmony of my pack. I have a peaceful relationship with my family. It's easy for me to share and teach through storytelling. I am extremely intuitive and heed the message of higher wisdom and knowledge. तो आपको यहाँ पे जो message आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको यही बता रहा है कि यू आर समवन जो कल को जाके लीडर बनने वाला है, और आपको सब अप्रिशिएट भी करेंगे, बिकॉज आई सेड अगर आप मदर भी बनने वाले हो, फादर भी, वो भी आपको फैमिली का लीडर ही बनाता है, और इन केस आप ये परसेप्शन जो चेंज कर रहे हो, जो नया क्रिएशन की तरफ लेके जा रहा है, वो भी आपको कहीं ना कहीं लीडर बना रहा है। बस आपको अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रांग रखना है, एंड आपको एक फाइनल डिसीजन बनाना है, एंड देन एवरीथिंग इज़ गुड फॉर यू। ओके, या सो यस माई पाइल, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि ये जो न्यू क्रिएशन है आपकी लाइफ में, बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए लाए, तो आपने ब्राउन कलर का कोई भी इमोजी कमेंट सेक्शन में, नॉट द पूप, ओके, ब्राउन कलर का कोई भी इमोजी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना है, सो आई कैन आइडेंटिफाई एंड मैनिफेस्ट यू। टिल देन लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। इन केस इंटरेस्टेड फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ऊपर इन्फॉर्मेशन फ्लैश हो जाएगा, आप वहाँ से चेक करके मुझे रीच कर सकते हैं। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, और आप भी मुझे प्यार दीजिए चैनल को सपोर्ट करके, बिकॉज योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। खर्चा कर रही हूँ मैं
ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा दिखाओ ना एफर्ट कि हाँ, यू शी गुड, यू आर डूइंग गुड, तो करो लाइक सब्सक्राइब, और कहो रिश्तेदारों को भी, फैमिली फ्रेंड्स को भी करें, ठीक है? कैच यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय. हाय माय लवली पाई, अगर आप यहाँ पे इस इमेज को सेलेक्ट करके आए हैं, लेट्स चेक आउट कि क्या ये पर्टिकुलर चीज़ है जो आपके लिए होके ही रहेगी. तो चलिए देखते हैं, 2025 आने से पहले पहले ये क्या चीज़ है जो आपके लिए होना काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज़ में है. सो व्हाट इट इज़ दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू. तो चलिए कार्ड निकालते हैं. नहीं, रुक जाओ. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू बिफोर 2025 कम्स, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू. एंड वी हैव हियर द कार्ड ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. तो लक, किस्मत, समय का पहिया आपकी फेवर में होने वाला है, समय बदलने वाला है. अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो और भी अच्छा टाइम आ जाएगा, बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइम तो आपका आने वाला है. लक इज़ फेवरिंग यू. आपकी डेफिनेटली लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, या फिर उसी चैप्टर में नया पैराग्राफ स्टार्ट होने वाला है, बट एक न्यू पॉजिटिव एनर्जी, न्यू शिफ्ट, न्यू चेंजेस इन द लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा आपको आपकी किस्मत में, आपके सोल पाथ से आपको मिल रहे हैं. आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में डेस्टिनी का एक डिवाइन प्लान जो आपको प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, उससे मिला रहा है. सो एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज, शिफ्ट आपकी यहाँ पे लाइफ में होने वाला है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है. लेट मी जस्ट कंफर्म फटाफट कि ये पर्सनल लाइफ से है या ये प्रोफेशनल लाइफ से है. तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम अ पर्सनल लाइफ. वो मैंने कैसे कन्फर्म किया वो मैं नहीं बताऊँगी, बट हाँ, हम ये जानेंगे कि ये चेंज क्या है. तो हेयर आर द कार्ड्स ऑफ सूफी टैरो. तो हम जानेंगे कि ये चेंज क्या है जो आपकी लाइफ में आ रहा है. बहुत लोगों के लिए, अराउंड 80 to 90% ऑफ पीपल, ये आपकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड है. 10 से 15% का गैप छोड़ देते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो वो भी हो सकते हैं, बट फॉर 80 to 90% पीपल ये पर्सनल लाइफ में है आपके चेंज. तो ये चेंज क्या है, लेट्स पुल आउट द 3 कार्ड्स, और ये चेंज कैसे आपकी लाइफ को चेंज करेगा वो भी देखेंगे. तो वॉट इज़ दिस चेंज, लेट्स चेक आउट. ओके, सो वी हैव हेयर द कार्ड ऑफ 4 of Coins, देन वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स, एंड देन वी हैव 4 of Wands का कार्ड. तो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है कि वॉट इज़ दिस चेंज, तो आई थिंक एंड आई फील हेयर, ओके ओके ओके. तो जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जी नज़र आ रही है कि व्हाट दिस पॉजिटिव चेंजेस जो आपकी पर्सनल लाइफ में एस्पेक्ट में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि फाइनली आपने कोई चीज़ थी जो आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, बट अब आपको उस चीज़ में ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बहुत ईजिली फ्लो होगी. इनफैक्ट इस तरह से फ्लो होगी कि आप, फर्स्टली यू वर इन लाइक बेगिंग एनर्जी, या यू वर इन दैट डेस्परेट एनर्जी कि ये चीज़ वर्कआउट हो जाए, वर्कआउट हो जाए, वर्कआउट हो जाए. अब आपको उस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको उस तरह का वो भिखारी जैसा या वो बेयर मिनिमम वाला फीलिंग नहीं आएगा, बिकॉज अब आपको उसमें आपको पार्टनरशिप, उसमें आपको कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें कोलैबोरेशन, एप्रिसिएशन, कुछ भी ऐसा मिल रहा है दैट मेक्स यू फील लाइक कि हाँ यार, अब मुझे फाइनली इस चीज़ के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ रही, इस चीज़ के लिए मुझे रोना नहीं पड़ रहा, तरसना नहीं पड़ रहा, या इस चीज़ के लिए मुझे डर नहीं कि अब गई, अब ख़राब होगी, अब चला जाएगा, अब चली जाएगी. तो ये एक रिलेशनशिप है अगर, जहाँ आप डरते रहते थे कि वॉट इफ सामने वाला मुझसे ब्रेकअप कर लेगा, मेरे सामने वाला मुझसे ब्रेकअप कर लेगा, मैं डर डर के रहूँ, संभल संभल के रहूँ, तब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सामने वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी तरफ आएगा एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ गया, उसका देखो पेड़ है ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ग्रो होनी स्टार्ट हो गई हैं. तो जहाँ आपने बहुत एफर्ट्स दे रहे थे रुक रुक के, तरस तरस के, वहाँ पे अब आप एफर्ट्स देना बंद कर दोगे, क्योंकि सामने से भी आपको म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह मिलेगी, एंड उस वजह से यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक कि नाउ थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, मुझे इतना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा है, या मुझे कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी वैल्यू को लूज़ नहीं करना पड़ रहा है, इज़ व्हाट आई कैन सी ऑन द कार्ड्स. हाउ दिस चेंज इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ, उसके लिए भी हम यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकालते हैं कि ये जो चेंज आ रहा है हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ. ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ 3 कार्ड्स आ चुके हैं. सो वी हैव हेयर द हैंगमैन, देन वी हैव हेयर द 9 of Wands का कार्ड, एंड देन वी हैव हेयर 10 of Swords का कार्ड.
टेन ऑफ स्वोर्ड्स, टेन ऑफ स्वोर्ड्स का जब कार्ड आता है ना, दैट मीन्स कि वर्स्ट हैज़ बीन डन, आपने रॉक बॉटम हिट कर लिया, अब इससे नीचे क्या ही गिरोगे, इससे बुरा क्या ही फेस करोगे। तो ये आपकी लाइफ में ये इम्पैक्ट डालेगा कि जो वर्स्ट है उसको ये ऑलरेडी निकालेगा, जो बुरा टाइम आपका चल रहा है उसको ये ख़त्म कर देगा, इट इज़ गोइंग टू एंड दैट। एंड उस और जो आपका नाइन ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, मतलब आपका मेहनत का टाइम अब ख़त्म, ठीक है। आप जो मेहनत करी इसमें इम्पैक्ट देख रहे हो, इसकी मशाल है ये, शी वॉज ट्राइंग टू लाइट द थिंग्स बट इसकी मशाल अब बुझ गई है। तो अब आपकी साइड से एफर्ट्स और कॉन्ट्रीब्यूशन बन रहे हैं, आप मस्त काम सॉरी मस्त हो एंड मैन मस्त अपना रिलैक्सिंग सिचुएशन में अब आप आ चुके हो। सो हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ, जो आपकी कॉन्टिन्यूस वरीज थी ना, अब खत्म तब खत्म, इमोशनल एंगजाइटी, सोशल एंगजाइटी या कुछ भी प्रेशर था कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँगा या करूँगी, मैं कैसे इस चीज़ को संभालूंगा, अब आपके वो एफर्ट्स देना आप बंद करो, आप रिलैक्सिंग सिचुएशन में जा रहे हो। यू आई हैव टू नो मोर वरी अबाउट हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट, यू आर लीविंग एवरी थिंग टू गॉड एंड और द powers that you believe in, and when you are leaving to that, we have the card of the six of cups, that means कि कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छाएँ हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल होंगी, कहीं ना कहीं आप जो डीप डिज़ायर आपका मन में है पहले से कि इस तरह से मैं ट्रीट की जानी चाहिए, इस तरह से ये सिचुएशन टर्न आउट हो जानी चाहिए, तो वो उस तरह से टर्न आउट होगी। सो डोंट वरी, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ने वाला है। जहाँ पे घुट घुट के तड़प तड़प के किसी चीज़ के लिए हो रहे थे, वहाँ आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो, क्योंकि अब आप उस सैक्रिफाइजिंग कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं हो अपनी लाइफ में। यू आर मोर इन अ रिलैक्स चिल जोन। एंगजाइटी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से भाग रही है, मतलब इट्स जस्ट रनिंग आउट ऑफ योर लाइफ। तो स्लीपलेस नाइट्स वगैरह अगर आप फेस कर रहे थे करंटली, अब मज़े से सो गया आप, सर्दियाँ भी आ रही हैं, कंबल ओढ़ के मज़े से सोना। लेट्स सी सम एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स बिफोर 2025 कम्स। एंड यू हैव हियर द कार्ड ऑफ बटरफ्लाई, एम्ब्रेस द हार्ड अर्न लेसन्स ऑफ द पास्ट टू कैटापुल्ट मी इन टू अ ब्राइट एंड पॉजिटिव फ्यूचर, आई इजिली अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंज इज गुड, आई रिकोगनाइज दैट ऑल चेंजेस ब्रिंग बेटर लाइफ सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट मी देमसेल्व्स, आई रिकोगनाइज अपॉर्चुनिटीज एंड इमीडिएटली टेक एक्शन। कैन आई मेक दिस अप? आई कांट, बिकॉज दिस इज वॉट यू कार्ड्स आर सेइंग। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, द चेंजेस आर कमिंग योर वे, एम्ब्रेस दोस चेंजेस, क्योंकि ये चेंजेस नहीं अपॉर्चुनिटी। एक चीज़ को पकड़ के रखना और उस चीज़ का दुख मनाना इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू एट ऑल, थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू। एंड ये न्यू पॉजिटिव चेंजेस आपको सिर्फ एक बेहतरीन लाइफ की तरफ ही लेके जाने वाले। तो चेंजेस जो आ रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट मत करो, उनकी तरफ आगे बढ़ो, बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल फॉर यू, ब्यूटिफुल फॉर योर लाइफ। ओके, सो यस माई पाई, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि आप ये चेंजेस इस बटरफ्लाई की तरह एम्ब्रेस करो, तो बटरफ्लाई का इमोजी ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर ड्रॉप करना है। इन केस इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग्स, आपको ऊपर यहाँ पे मैसेज फ्लैश हो जाएगा वेर यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर पिकर कार्ड रीडिंग। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए, इट विल मीन अलॉट टू मी। आई एम रिमेंबरिंग यू अगेन, खर्चा है ना, वैल्यू। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हाय एवरीवन, अगर आप ये मैच सेलेक्ट करके आए हैं, दिस इज योर पाइल, लेट्स चेक आउट कि क्या आपके लिए होने वाला है बिफोर 2024 एंड्स। सो लेट्स चेक आउट, उप्स इतने सारे कार्ड्स नहीं, लेट्स चेक आउट वन कार्ड कि आपके लिए क्या होने वाला है बिफोर 2024 एंड्स, आपके लिए क्या होने वाला है बिफोर 2024 एंड्स। एंड वी हैव हियर द कार्ड ऑफ द स्टार, मतलब कि कोई विश आपकी फुलफ़िल होने वाली है, जो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे इंटेंशनली अनइंटेंशनली। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे किसी तरह का फेम, एप्रिसिएशन, सोशल एक्नॉलेजमेंट पाना चाहते हैं, उनके लिए वो भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो किसी तरह की इच्छा, भगवान कह रहे हैं तथास्तु, तथास्तु हो रहा है किसी तरह की इच्छा के लिए आपके यहाँ पे। और डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ब्यूटी को रिलेटेड अगर आपकी मैनिफेस्टेशंस है वो यहाँ पे एक्नॉलेज होती दिख रही है। सोशल मीडिया पे जो लोग यहाँ ट्राई कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक सक्सेस रेट दिख रहा है। तो इट्स अ
बेसिकली ऑफ विश फुलफिलमेंट, किसी तरह की किसी चीज़ की इच्छा थी आपकी पर्टिकुलरली, वो इच्छा आपकी यहाँ पे भगवान की तरफ से उसके लिए येस आ रहा है। नाउ लेट्स टेक आउट फ्रॉम द सूफी टैरो कि ये क्या कौन सी इच्छा है जो पूरी होने वाली है और ये पूरी होकर आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सी इच्छा है जो आपके लिए पूरी होने वाली है, ठीक है। ये कौन सी इच्छा है जो आपके लाइफ में बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। एंड वी हैव हेयर थ्री कार्ड्स, एंड आपका पहला कार्ड है यहाँ पे द डेविल, देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव एम्प्रेस। सिंपल बताऊँ तो मजदूरी की लाइफ, बंदिश की लाइफ, क्योंकि आपको किसी चीज़ की कमी थी, आपके पास किसी चीज़ की पावर नहीं थी, उस वजह से आपको एक चीज़ करनी पड़ रही थी। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर समवन जो कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था जहाँ पे पैसा अच्छा नहीं था, जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, बट वो फिर भी करे जा रहा था, अब आपकी विश फुलफिल हो रही है कि आपको एक बेटर जॉब मिल रही है, बेटर पैकेज के साथ, एक बेटर कंपनी में, तो आप इसको लात मार के इस जॉब को जाओगे। आप सोच रहे थे आप इस पर्सन के साथ हैं क्योंकि आपको लगता था कि आप कि यू कॉन्ट गेट समवन बेटर, और इस वजह से आप इस पर्सन की टॉक्सिसिटी सह रहे थे। सम विल वन विल कम एंड मेक यू फील अप्रिशिएटेड, एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन होगी कि आप इस टॉक्सिक पर्सन से हट जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं खुद के सेल्फ डाउट की वजह से किसी सिचुएशन में स्टक थे, तो अब आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने लगे हो क्योंकि एक बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपका भ्रम तुड़वा रहा है कि आपके पास सिर्फ यही अवेलेबल है, दिस इज़ द बेस्ट यू कैन गेट या दिस इज़ द बेस्ट यू कैन हैव। तो वो वाली जो आपकी मेंटालिटी और सोच है उसको क्रॉस करने, उसको तोड़ने के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको इस बंदिश, इस सिचुएशन से दूर कर देगी, इस सिचुएशन से आपको निकाल के एक पॉजिटिव लाइट, एक मोर पीसफुल, एक मोर हैप्पी प्लेस पे लाके खड़ा करेगी। सो अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी इज़ कमिंग योर वे। दिस इज़ अ एनर्जी जहाँ पे एक आप एक गंदी सिचुएशन में थे क्योंकि आपको लग रहा था कि यही मेरी किस्मत है, यही मेरे साथ हो सकता है, या दिस इज़ द बेस्ट आई कैन हैव, बट नो दैट्स नॉट द केस। यू कैन हैव मच मच बेटर देन दैट, और वो आपको अब होके रहेगा आपके साथ बिफोर 2024 एंड्स। ये कैसे होगा, दो कार्ड्स एक बार उसके लिए निकालते हैं और हाउ इट विल इम्पैक्ट फिर हम वो देखेंगे। तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए वी हैव हियर द कार्ड ऑफ जस्टिस, एंड देन वी हैव हियर द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके लिए कुछ ऐसा कोई चेंज होगा एकदम से जो आपको जस्टिस ला के देगा। तो वो ये कर्मा का खेल होने वाला है, तो शायद जो पर्सन या जिस सिचुएशन ने आपको हार्म कर रखा था उस पर बैक ऐसे होगा कि ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी फोकस आपसे हट जाएगा और यू विल गेट दैट स्पेस कि आप निकल पाओ उस चीज़ से। तो एक कर्मा का हिट हो रहा है, जिस पर्सन ने, जिस सिचुएशन ने आपके साथ बुरा किया है उसको कर्मा का हिट मिल रहा है, जिस वजह से उसका सारा फोकस और एनर्जी आपसे हट गया है कि वो आपको अपने बस में रखे, वो आपको अपने कंट्रोल में रखे, एंड वो आपको वो पैसेज बन रहा है कि आप उसमें से निकल जाओ। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन फील हेयर एंड सी फॉर यू। लेट मी सी कि वंस दिस हैपन्स फॉर यू आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कार्ड्स निकालते हैं, थ्री कार्ड्स, कि हाउ दिस विल चेंज योर लाइफ। तो थ्री कार्ड्स आर हेयर अगेन विद अस। फर्स्ट इज़ फाइव ऑफ कप्स, देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव वॉट वी सेड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो वॉट वी आर हेयर, सॉरी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो वॉट वी आर सींग हेयर इज़ कि कहीं ना कहीं जब ये चीज़ आपके साथ होके हटेगी, इट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि आप पुरानी चीज़ों से बैक ऑफ करें, आगे नए डायरेक्शन में चले और फिर से अपना करियर बिल्ड करें। क्योंकि आपको एक बताती हूँ, आपके पास वो आया था ना, अब तो मैंने शफल करके, नहीं नहीं यहाँ है, यहाँ है, कहाँ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे भी सेम पर्सन दिख रहा है आपको। सो दैट इज़ द केस विद यू कि अब आप अपनी किस्मत कैसे खुद से बना सकते हैं, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, ठीक है। आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दोगे, थोड़ा सा अफसोस मनाओगे डेफिनेटली, क्योंकि यू आर अ गुड पर्सन, तो अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया आप उसको उसके लिए भी बुरा लगता है क्योंकि आप इंसान ही इतने प्यारे हो, थोड़ा सा उसके लिए अफसोस मनाओगे, फिर आप अपनी
किस्मत बनाने में लग जाओगे और यू विल डेफिनेटली मेक अ मूव। या तो आप फिजिकली कहीं मूव कर रहे हैं, आप आइडियोलॉजिकली अपनी सोच में कहीं मूव कर रहे हो, एक डिफरेंट डायरेक्शन पकड़ रहे हो और अपनी किस्मत को अब आप अपने हिसाब से लिख रहे हो, बिकॉज स्टार कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन। ओके, और मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट वॉट यू बिलीव। और आपके कार्ड में भी आया है हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ। दिस विश विल मेक यू बिलीव कि आप आगे की भी अपनी लाइफ की विशेस को, अपनी इच्छा अनुसार आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो और आप उस कॉन्सेप्ट पर चलने लग जाओगे। आई थिंक इसके बाद, आई थिंक 2025 में आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करोगे। आप शायद मैनिफेस्टेशन जर्नल्स वगैरह प्लगा शेमलेस प्लग, वी ऑल्सो सेल मैनिफेस्टेशन जर्नल्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन DM मी। ओके, आप मैनिफेस्टेशन जर्नल्स वगैरह भी कर सकते हो, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स वगैरह भी आप कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लास्टली लेट्स सी अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स और अ मैसेज बिफोर 2024 एंड्स जो आपके लिए यहाँ आ रहा है। एंड हियर वी हैव द कार्ड ऑफ द स्नेक। इट इज़ सेफ फॉर मी टू फील माई फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ एंगर सॉरो ग्रीव विल पास एज आई रिलीज देम फ्रॉम माई बॉडी। इट इज़ ईजी फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म and transmute challenging life situations. Spiritual initiations have taught me and improved me. A new cycle offers me new and happy promises. So definitely, मैंने कहा ना थोड़ा सा दुख होगा आपको चेंज करते वक्त, बट वो चेंज के बाद आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि एक पॉजिटिव फीलिंग से भरा हुआ है, जो आपने हमेशा एक न्यू पॉजिटिव चेंज चाहा था उससे मतलब भरा हुआ है। सो पॉजिटिव थिंग्स आर डेफिनेटली ऑन द होराइजन फॉर यू। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कि ये चैप्टर क्लोज हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे मूव ऑन करो। ठीक है, तो यस माय पायल, दिस इज़ योर रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को हैप्पीली एक्सेप्ट करो, तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में स्नेक का इमोजी ड्रॉप करना है सो आई कैन आइडेंटिफाई यू। टिल देन लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। इन केस यू आर इंटरेस्टेड फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ऊपर यहाँ इन्फॉर्मेशन फ्लैश हो जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट करके मुझे रीच कर सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को प्यार दीजिए। आई टोल्ड यू ना आज ही लिया तो है ना, तो हेल्प करो मुझे कि हम चैनल को ग्रो करें और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट सीए, बैकग्राउंड चेंज करें। इफ़ यू आर अ ओल्ड सब्सक्राइबर यू नो द स्टोरी ऑफ दिस, है ना, तो प्लीज़ डू दैट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।